नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे टेक्नो शौनक चैनल। मैं नाम है शौनक चक्रवर्ती और आज मैं बात करने वाला हूँ विकिपीडिया के कुछ टिप्स के बारे में, जिससे आप विकिपीडिया पेज बना सकते हो और अपना भी पेज बना सकते हो। तो देखते रहिए पूरा वीडियो और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि आपसे कोई टिप छूट ना जाए। तो दोस्तों, विकिपीडिया में मैं आज बात करने वाला हूँ कि पेज कैसे बनाते हैं। तो अक्सर आपने देखा हो कि आप पेज बनाने की कोशिश करते हो तो वो पेज डिलीट हो जाता है विकिपीडिया, और आप जो चीज़ भी कर लेते हो वो डिलीट होता है। वो आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ कि अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो और आप अपना पेज बनाना चाहते हो जैसे मेरी तरह, तो आपको पेज नहीं बनाएगा। जब तक आप एक फेमस पर्सन नहीं हो जाते, एक नोटेबल पर्सन नहीं हो जाते, तो आपको पेज नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, स्ट्रगलर्स के लिए भी ये पेज है। जैसे कि मान लीजिए जो कोई गली गली में क्या कहते हैं गाना गाता है या कोई कॉन्सर्ट करता है, वो अचानक से न्यूज़ में आने लगा, तो इससे क्या होगा कि उसके कुछ न्यूज़ में आने लगा तो न्यूज़ वाले उसके आर्टिकल्स छापेंगे उसके बारे में, और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में देंगे और वेबसाइट पे भी अपने अपलोड करेंगे। तो इससे क्या होगा, उसका एक रिलायबल सोर्स बन जाएगा जिसके तहत वो अपना विकिपीडिया पेज बना सकता है। और हाँ, विकिपीडिया में आप सिर्फ अपना एक ही अकाउंट बनाइए, क्योंकि जैसे कि मैंने देखा मेरे दोस्त भी ऐसा कुछ करते हैं कि विकिपीडिया में एक अकाउंट बना लिया, उसे और एडिट करने के लिए वो गलती से ब्लॉक हो गया कुछ करके, उसने और एक बना लिया, फिर और एक बना लिया। ऐसे क्या होगा कि उनको पता लग गया था, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस सेम होता है आपका, चाहे अकाउंट कितने भी हो आपके आईपी एड्रेस हमेशा सेम रहेगा। तो आप चाहे कितना भी अकाउंट बना लो, वो जो अकाउंट चेकर होता है, जो आईपी एड्रेस चेकर होता है विकिपीडिया में, वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर देगा, यहाँ तक कि आपका ओरिजिनल अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा, और इससे आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो ये दोस्तों ये गलतियाँ करते हैं। और हाँ, अगर आपका जो पेज है वो डिलीशन के लिए नॉमिनेट हो गया, तो अगर प्रपोज डिलीशन हो तो फिर आपका पेज बच सकता है। लेकिन अगर आपका पेज जो है नॉमिनेशन फॉर डिलीशन ये हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें 95% चांस है कि आपका पेज डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो सोच समझ के करते हैं। क्योंकि जो नॉमिनेट करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर, उनको तो पता ही है क्या रूल्स है क्या नहीं है, क्या विकिपीडिया के पॉलिसीज है, वो उसके तहत जाके ही वो एडिटिंग करते हैं आपके पेज को, उसके तहत जाके डिलीशन में भेजते हैं, नॉमिनेट करते हैं, जो भी करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ लोगों को मैंने ये देखा है कि वो अपने दोस्तों को बोलेंगे भाई उसमें क्या होता है कि वोट्स होते हैं, लेकिन वो वोट एक्चुअली होते नहीं, आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि आप ये पेज क्यों रखना चाहते हो या क्यों डिलीट करना चाहते हो। उसमें मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं भाई तू भी अकाउंट बना, तू भी अकाउंट बना, तू भी अकाउंट बना, ऐसे सब लोग बनाते हैं। और हाँ, विकिपीडिया को ये पता लग जाता है, क्योंकि आपके जो आईपी एड्रेस है वो आसपास का ही है, और अगर रिसेंटली कोई अकाउंट बनाएगा और उसी पे एडिट करेगा, उसी में नॉमिनेशन में वोट फॉर फेवर 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 करता रहेगा, तो विकिपीडिया को ये पता लग जाएगा कि ये आपके दोस्त है। तो ये भी मत कीजिए, आपके साथ साथ आपके सारे दोस्तों के अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएंगे। देखिए, मैं तो विकिपीडिया पेज बनाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन अगर आप हैं, अगर आपके कम से कम आपके 3 अलग अलग बड़े न्यूज चैनल्स के वेबसाइट पे आपका आर्टिकल्स होने चाहिए, अगर आपके 3 एक्चुअली एक के भी होगा तो भी नहीं होगा उसमें, तो एक्चुअली अगर 3 भी होंगे ना, क्योंकि वो क्रॉस चेक करता है विकिपीडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो पेज देखने से पहले क्रॉस चेक करते हैं, तो अगर आपके 3 भी होंगे तो आप उससे विकिपीडिया पेज बना सकते हो। लेकिन हाँ, एक ही आईडी बनाइए, एक आईपी एड्रेस से एक ही है, क्योंकि आप जितने भी आईडी बनाओगे आपका जो है आईपी एड्रेस सेम रहेगा, आपके अकाउंट चेंज करने से आपका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होने वाला। और दूसरी बात, अगर आपका आईडी डिलीट हो गया या फिर अगर आपका आईडी का आप वो पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसको भी रिकवर करने के लिए आप अपना ईमेल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने ईमेल से भी अगर ईमेल नहीं डाला है और आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप सिंपली उस अकाउंट को यूज़ करना छोड़ दीजिए, और कम से कम 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक छोड़ दीजिए, उसके बाद नया अकाउंट बनाइए। क्योंकि अगर आप एक साथ छोड़ के बनाएंगे तो विकिपीडिया आपको शॉक पपेट इधर भी डिक्लेयर कर देगा, और शॉक पपेट एक बार डिक्लेयर हो जाने के बाद वो आपके पीछे पड़े रहेंगे विकिपीडियंस जो है, और आपका जो है एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये पर्सनल झेला हुआ है, और अभी मैं एकदम स्मूथली एडिटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड तो कमेंट में बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे बताइए कमेंट में, और मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए मेरे चैनल, इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।